हेलो जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है एक नया व्लॉग में। और अभी सुबह का कितना बजे, 11 बजे शायद। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ क्यों, ये शूटिंग टाइम है। मेरा दूसरा जो एजुकेशनल रिलेटेड चैनल है, ग्रूमिंग का चैनल है, दो इट इज इन बंगाली, तो उस चैनल का शूटिंग चल रहा है। देखो लैपल लगा के मैं छत पर बैठा हूँ। अब दिस इज माई टोटल शूटिंग का सेट। यहाँ पर है पूरा स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट ने बनाया है तीन चार एपिसोड के लिए। और ये है मेरा मोबाइल, जो है मेरा टोटल शूटिंग करता हूँ मैं इससे, वीडियो शूट कर रहा हूँ, करता हूँ, एडिट भी करता हूँ। और ये है बेचारा मेरा ट्राइपॉड, मेरा स्टैंड। और वेरी सिंपल सी मेरा सेटअप है। सूरज मामा देखो जैसा कितना खूबसूरत सा लाइट दे रहे हैं, नेचुरल लाइट, क्योंकि दुनिया में सूरज का जो लाइट है इससे बढ़िया तो लाइट हो ही नहीं सकता है। सो लाइटिंग का कोई झमेला नहीं है, कैमरा का कोई इशू नहीं है। सिंपल भाई मोबाइल को ऑन करो, लैपल को यहाँ पर लगा लो, यू कैन सी दिस लैपल इज ओवर हियर, लगा लो और शूटिंग करना शुरू कर दो। मेरा मानना ये है गाइज, अगर कोई वीडियो देख रहे हैं आपको देख रहे हैं, आपका बैकग्राउंड को नहीं देख रहे हैं, आपका कैमरा को नहीं देख रहे हैं, आपका लैपल को, हाँ लैपल का अच्छा क्वालिटी होना चाहिए क्योंकि साउंड शुड बी गुड। एंड बाय गॉड ये वाला माइक लास्ट में भी आपको दिखा था, लास्ट डे में दो दिन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वाला मोनो समथिंग लाइक, ये वाला अमेजिंग है। टुडे आई कैन से दैट ये वाला जो माइक का जो क्वालिटी है ये बोया से भी बढ़िया है। बोया जो माइक मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ मेरा जो, और बोया का दाम कितने, सोचो 800 से 1000 रुपये बोया का ले लेता है, पर इस माइक के प्राइस पर सिर्फ 300 रुपये में इतना बढ़िया नॉइस रिडक्शन, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। सो गाइस दिस इज द ऑल द थिंग्स। आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखाता हूँ, लास्ट एक दो वीडियो पहले मैं दिखाया था आपको शायद, इस जो बिल्डिंग मेरे घर के सामने, जस्ट देखो, जस्ट लुक एट द, ये वाला जो भाई है कैसे जस्ट लाइक पेंटिंग कर रहा है पूरा, जस्ट लाइक दरी लगाते हैं, उस तरफ भी दो है। और थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, रुकिए पहले इस माइक को मैं खोल लेता हूँ, उसके बाद लेट मी शो यू कैसे दे आर डूइंग। ये देखो दो वीडियो पहले दिखाया था पूरा वाइट पेंट चल रहा था, पर आज देखो पूरा एकदम पीला पेंट हो रही है। क्या बोलते इस कलर को पता नहीं, आपको पता है तो आप मेंशन कर सकते हो। देखो कितना रिस्की काम है, बट यू नो काम है, हार्ड वर्क इज एवरीथिंग, डिग्निटी ऑफ लेबर। मेरा अभी एक याद आ गया एक चीज़, मैं हायर स्टडी के लिए भी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करता था, हायर स्टडी के लिए। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अगर छोटा काम बड़ा काम ये सब काम को ज़्यादा डिग्निटी नहीं मिलता है, बट ऑस्ट्रेलिया में जाकर ये मैंने देखा है, एक होटल का जो ओनर है, मालिक है, वो शैंपेन पी रहा है होटल के स्वीपर के, दे आर दोस्त, दे आर फ्रेंड्स। आपको यकीन नहीं होगा इतना फ्रेंडली वो लोग, डिग्निटी ऑफ लेबर इतना प्रायोरिटी, मीन्स जो कोई भी काम हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, काम काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ऐसा माइंडसेट है। सो उस चीज़ को देख के आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड, बट इंडिया में ऐसा होना चाहिए, बट इंडिया में बहुत ही छोटा काम बड़ा काम, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, फलाना नकाना ढिंचाना, ये सब चीज़ में हम लोग पड़े रहते हैं, कास्टिज्म में पड़े रहते हैं, बट दिस इज़ अ थिंग। पर आज का दिन भी और भी तरीके से स्पेशल है, क्योंकि आज बिहार इलेक्शन का रिजल्ट भी आ रहा है। दो आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, बट बिहार के एकदम पड़ोसी स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। तो बिहार इलेक्शन का रिजल्ट बहुत ही यू नो डिफरेंट होने वाला है, तो जब आप वीडियो देखोगे तब तक तो रिजल्ट आ जाएगा। तो बिहार रिजल्ट से आप अगर हैप्पी हो और अनहैप्पी हो, क्या हो आपका ओपिनियन क्या है, वो भी आप कमेंट्स करके थोड़ा सा लिखो, तो मुझे भी थोड़ा सा जानना है। अगर बिहार से, मेरा बहुत दोस्त बिहार से भी वीडियो देखते हैं, अगर कोई बिहारी भाई अगर देख रहे हो तो आपको वहाँ का रिजल्ट कैसा है, तो आपको तो पता है ऑलरेडी, तो नेशनल चैनल में जाकर ही मैं देख लूँगा, बट रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेशन के एज पर योर एक्सपेक्टेशन हुआ है और नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थोड़ा सा आपको मेरा घर का रूम टूर करवाता हूँ। ये है हम लोग का प्राइमरी रूम। इस रूम में एक्चुअली मेरा मम्मी शी स्लीप्स ओवर हियर, यहाँ पर वो रहती है। और ये है हम लोग का जस्ट लाइक एलईडी टीवी, सोनी की ब्रावियो की एलईडी टीवी। तो ये एग्जैक्टली ये घर कॉमन घर है, सभी जो आते हैं सभी इस लोग घर रूम में स्टे करते हैं। तो नेक्स्ट ये एक जस्ट लाइक कॉमन स्पेस है, यहाँ पर हम लोग का किचन है, छोटा सा किचन आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो पकाने वगैरह का काम, यहाँ पर स्मॉल मॉड्यूलर किचन ओवर हियर। तो दिस इज़ द वॉशरूम, एंड इधर जाते ही ये एक सामने एक फ्रंट में गराज टाइप ऑफ जगह स्पेस है, यहाँ पर रखता हूँ मेरा एक्वेरियम, और दिस इज़ माय बाइक ओवर हियर, बाइक यहाँ पर रखता है। और इधर पे जाओगे तो दिस इज़ माय पर्सनल रूम, तो जहाँ पर मेरा टोटल दिमाग चलता है, वीडियो का कंटेंट मैं सोचता हूँ यहाँ पर सोते हुए, और यहाँ पर इस सेटअप में मैं अपना एडिट का काम करवाता हूँ। तो दिस इज़ माय रूम ओवर हियर, और ये दो ही बेसिकली रूम है, और ऊपर भी
एक रूम है टेरेस ऊपर जाओगे तो माय डैड जस्ट लिव्स ओवर हियर. सो दिस इज द छोटा सा रूम भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं है एक, बट हम लोग का फैमिली भी वो छोटा है, तो छोटा फैमिली छोटा छोटा रूम, बट रूम का साइज बहुत बढ़िया है. यू कैन सी दैट इज सो लार्ज यू नो रूम इट इज दैट. सो कोई मतलब नहीं, बट कर दिया यार, आज सारा दिन घर में है तो घर में रहोगे तो क्या दिखाओगे आप, तो जाकर कुछ ज़्यादा दमदार कुछ नहीं कर रहे हो, तो सोचा क्यों ना आज मेरा रूम टू सभी यूट्यूबर दिखा दे अपना रूम स्टूडियो, तो मैं भी दिखा दिया मेरा रूम को. दिस इज ऑल अबाउट द रूम टूर ऑफ इस गरीब ऑफ दिस गरीब यूट्यूबर का. क्या खतरनाक नींद हुआ है भाई, दोपहर को 1 बजे सोया था, अभी शाम के 7 बज चुके हैं जैसे अभी अभी उठा है. कितना टाइम हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगभग 5 से 6 घंटे सोने के बाद, एक खतरनाक सा नींद के बाद जैसे अभी अभी उठा हूँ. देख सकते आँखें जैसे एकदम मेंढक की तरह बाहर निकल गए, पर फीलिंग्स टू गुड, फीलिंग टू मच रिलैक्स. अब अच्छे अच्छे नींद के बाद जब उठोगे ना, आपका शरीर बहुत ही तरोताज़ा फ्रेश हो जाता है. बहुत कुछ काम करना है, बहुत कुछ खरीदारी करने के लिए जाना है, तो चलिए फ्रेश तो हो चुका हूँ, थोड़ा सा रेडी फेडी होकर निकलते हैं. यूजुअली इंडिया में सभी का छुट्टी रहता है संडे को, बट मेरा जो हॉलीडे रहता है दैट इज़ नॉट ऑन संडे, मेरा हॉलीडे रहता है यूजुअली ऑन ट्यूसडे को. तो क्या हो जाता है, मेरे जो दोस्त लोग हैं उन लोगों का आज ऑफिस है, दे हैव द जॉब टुडे, और मेरा है आज छुट्टी. तो यही चल रहा है साल दर साल, बहुत साल से, लगभग लास्ट 7-8 साल से. तो इससे क्या हो रहा है, किसी के साथ भी मेरा कोई भी ऐसा कांटेक्ट ही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवन जो बोलते भाई लोग आ जा थोड़ा सा दोस्तों के साथ चिल करेंगे संडे को, और संडे तो मेरा तो ज़बरदस्त जस्ट लाइक टाइट शेड्यूल. तो मेरा जो छुट्टी का दिन है एज यूजुअल, आज का छुट्टी का दिन, तो मैं आया थोड़ा सा चिल करने. चिल करने का मतलब है थोड़ा सा खरीदारी करने, शॉपिंग टॉपिंग करना है करके फिर से घर वापस जाना है. और यूट्यूबर का तो लाइफ बहुत ही शाम के वक्त ही एडिट एडिट और एडिट एडिट, किसी अलावा लाइफ में कुछ नहीं है. तो इसके अलावा लोकल मार्केट, एक गुड न्यूज़ देना तो भूल ही गया था, कल से वेस्ट बंगाल में जो लोकल ट्रेन सर्विस है ये शुरू होने वाला है. एक्चुअली इट वॉज जस्ट कम्प्लीट आउट ऑफ माई माइंड. मैं अभी अभी यहाँ पर एक रेल फाटक है, रेल फाटक हो भैया, एंड यहाँ से मैं गुजर रहा था, यहाँ पर रेल फाटक बंद है क्योंकि अभी ट्रेन क्रॉस कर रहा है. आज तक जो ट्रेन चल रहा है अभी तक ये है फॉर द जो रेल का जो लोग है स्टाफ से उन लोगों के लिए, बट कल से लोकल लोगों के लिए भी ट्रेन कम्प्लीटली शुरू हो जाएगा. ये रेलवे का सीन क्या है थोड़ा सा आपको वो समझा देता हूँ. एक्चुअली लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बीच में ही, लॉकडाउन जब चल रहा था उसी वक्त से ही जो रेलवे का स्टाफ है उन लोगों के लिए तो स्पेशल ट्रेन चल रहा था और चल भी रहा है. बट यहाँ पर क्या हो गया ना, जो गरीब लोग तो बहुत ज़्यादा है, वो लोग क्या हो रहा है, ये स्पेशल ट्रेन में चढ़ जा रहा है हर दिन, और जब जो GRP वाले उसको उतारने लगे तो मारा मारी हर दिन लग रहा था भाई. जस्ट सोचो जो गरीब लोग हैं जिसका एक एक दिन में 200 से 300 रुपये का 200 से 300 रुपये इनकम है, अगर उनमें से 100 रुपये चला गया उसका जस्ट बस में और सिर्फ ऑटो टोटो ये पकड़ते हुए, तो कैसे वो बंदा सर्वाइव करेगा, कर सकता है? तो इसीलिए सिंपली लगातार कुछ महीनों से एक बहुत ही ज़बरदस्त घमासान लगा हुआ है. लोग उछल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेलवे वाले, तो उनके साथ हाथापाई शुरू हो जा रहा है. तो इसीलिए मोदी सरकार ने, रेलवे ने डिसाइड किया रेल को फिर से खोल दिया जाएगा. शुरुआत में जस्ट थोड़ा बहुत रेल चला जाएगा एक्सपेरिमेंट के तौर से, उसके बाद इट विल बी नॉर्मलाइज. ऑलरेडी देखा गया जब बॉम्बे का जो मॉडल है रेलवे चलाने की, इट वॉज क्वाइट सक्सेसफुल, बट यहाँ पर कल से शुरू होने वाला है 200 से 400 अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली फिगर मुझे पता नहीं है, आई वॉज वॉचिंग इन टेलीविजन, बट इट इज़ गुड डिसीजन, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है हर दिन 100 रुपये 150 रुपये खर्चा करके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऐसे ही इधर से उधर जाओ. तो मुझ जैसे लोग तो बाइक से हम लोग चले जाते हैं, बट जो हैंड टू माउथ कंडीशन के लोग हैं वही दिक्कत में पड़ जाते हैं. तो गाइस आज है संडे, तो मैं आया हूँ संडे का रात का मेनू खरीदने के लिए, और संडे रात का मेनू है चिकन. तो मैं आया हूँ चिकन मार्केट में, चिकन बाज़ार में, चिकन का ये दुकान, पर लोग कहाँ हैं. আরে এবালে কাটা দেইলো এক খুলি গড়ম আছে আচ্ছা আচ্ছা
तो भाई रेल गेट पड़ा हुआ है और आपको थोड़ा दिखा देता हूँ क्या क्या मैंने खरीदा है। यहाँ पर ये सब्जी, आलू, प्याज कुछ यहाँ पर खरीदा हूँ। ये है रात का मेरा खाना, चिकन, इसको पकाना भी पड़ेगा। और ये है कॉफी, इसको हिंदी में क्या बोला जाए पता नहीं, कॉफी बोला जाता है शायद, कॉफी। ये बहुत ही टेस्टफुल है, विंटर के सीजन में सिर्फ पाया जाता है। और ये मैंने खरीद लिया है सिर्फ 20 रुपये में। एक्चुअली मेरा जो एरिया से जो फार्मिंग लैंड का जो जोन है बहुत ही पास है, इसीलिए यहाँ पर प्राइस बहुत ही कम पड़ता है। 20 रुपये 25 रुपये में कॉफी मिल जाए, फुल कॉफी जिसको बांग्ला में बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला पता नहीं है। सो दिस इज़ ऑल द थिंग्स, ये आज का रात का रेसिपी, चिकन एंड कॉफी का कुछ जूस, कुछ ग्रेवी, ऐसा कुछ होने वाला है आज। तो भाई ये है चिकन का पूरा रेसिपी जो मैंने अभी अभी खरीदा है। एक्जैक्टली घर पूरा जूसी, देखो जस्ट लुक एट द कलर, माय गुडनेस, मुंह में पानी आ रहा है देखकर। पूरा जूसी एक चिकन करी है, चिकन करी मसाला ही है, मेड बाय माय मॉम। सो देखकर ही तो मुंह में पानी आ रहा है भाई। अभी खाने का टाइम है तो ऑलरेडी आई एम रेडी, मैं डिनर टेबल में बैठ चुका हूँ। अभी खाने के बाद वीडियो को एडिट करने जाएंगे। सो ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आप फूडी हो, चिकन लवर हो, तो ब्लॉग को सब्सक्राइब करो। अगर आप ब्लॉग से थोड़ा सा एंटरटेन हुए हो तो भी आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।